नाबालिग का अपहरण को मामलों 24 घंटा नाबालिग ने बरामद कर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी। शिवपुरा में एक घर में तोड़फोड़, मारपीट और नाबालिग ने उठा ले जाने का मामला में कार्रवाई की मांग न लेकर ग्रामीणों को धरना जारी। सुबह जठे आक्रोशित ग्रामीण हाईवे जाम को फैसलो लियो, लेकिन जाम को फैसलो एक बार के लिए टाल दियो गयो। ग्रामीणा का आक्रोश न देखना विधायक जेपी चंदेलिया, भाजपा का जिला महामंत्री राजेश दहिया सहित अन्य नेता थाना पहुंचा और ग्रामीणा ने समझाया कि पुलिस ने एक बार थोड़ा टाइम दो। बड़े विधायक चंदेलिया, डीएसपी शिवरतन गोदारा, पिलानी सीआई रणजीत सेवदा, चिड़ावा सीआई इंद्र प्रकाश यादव से अब तक की कार्यवाही लेकर जानकारी ली। इस दौरान डीएसपी थे कि बांका साखना क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच आए हैं। सगड़ा की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी बच्चे अपहरणकर्ता से छुड़ा की लाई जा और वन गिरफ्तार करके बांकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। परसों रात्रि को चिड़ावा थाने के छोपरा गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण का मामला हुआ। जानकारी मारने पर नाकाबंदी करवाई गई और विभिन्न स्थलों पर जो संभावित स्थल थे उन पर पुलिस टीमों को रवाना किया गया। एडिशनल एसपी जुनून यहाँ दो दिन से कैंप किए हुए हैं, मैं भी आज आया, परिजनों से भी मिला। हम काफ़ी टेक्निकल साइड से भी और मैनुअल भी उसमें लगे हुए हैं। जल्दी ही बच्ची को और बरामद करेंगे और मुलजिमों को उनको राउंड अप करके उनका इलाज करेंगे। सर ग्रामीण धरने पर बैठे पुलिस थाने के बाद उनसे बात करी, उनको भी समझाया, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, पुलिस काम कर रही है और निश्चिंत ही हम उसको जल्दी ही लाएंगे। आप पुलिस को समय दें, इस प्रकार से प्रेशर से क्या होता है पुलिस का भी काम में थोड़ा डाइवर्ट होता है ध्यान, इसलिए इनको मनोयोग से काम करने दें। तो उन लोगों में काफ़ी ठीक है साहब, हम कोई नहीं, हम हमारे बेटे हैं तो इशू नहीं, इसमें बातचीत होगी। कुछ दिनों पहले बुहाना में आपके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई थी, आपके निर्देश बुहाना में जो बदमाशी हुई थी उसमें हमने तुरंत पकड़ करके मेला कार्रवाई की थी और इसमें भी करेंगे, बेफिक्र रहिए, शीघ्र ही करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जिले में सर इस प्रकार का अपराध बढ़ता ही जा रहा है? बढ़ता नहीं, आप पहली बार घटना, अभी सारे लोग जो आए मेरे से मिलने सब यही कहा कि पहली बार बात ये हुई है सर, तो इनका ये भी हम चेक करके आपको बताएंगे, जब आएंगे तो बताएंगे घटनाक्रम क्या हुआ, अभी बोलना उचित नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, कब तक सर? बहुत प्रयास कर रहे हैं सर। ग्रामीण को किस तरह से समझाइश करके घर भेजेंगे या फिर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? नहीं, हमें पुलिस का काम ढूंढने का, तलाश करने का है, समझाने का काम समझा दिया है, बाकी हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी बच्ची को बरामद करें और मुलजिमों को राउंड अप करें। ठीक है। इस दौरान बताया कि पुलिस पूरे जिले के साथ में ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाका कमान सर्च अभियान चला रही है। आरोपी बार बार पुलिस ने चकमो दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाको पीछो कौन छोड़ने वाली, जल्दी ही आरोपी गिरफ्त में होगा। लोगों से थोड़ा संयम रखने की अपील करी है। बड़े ई मामला लेके ग्रामीण और जनप्रतिनिधि राज्यपाल का नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तहसीलदार ने सौंपियो। तहसीलदार कमलदीप पूनिया धरना स्थल पर आके ज्ञापन लियो और राज्यपाल तक ज्ञापन पहुंचाने को आश्वासन दियो। आज चिड़ावा क्षेत्र और शोपरा गांव के आसपास के जो भी लोग आए हैं, मीटिंग में तय किया कि पूरे क्षेत्र में अपराध पनप रहा है और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, ध्यान नहीं देने की वजह से अपराधियों के हौसले दिन रात दिन बुलंद हो रहे हैं। शोपरा की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना, घर में घुस के इस तरीके से नाबालिग बेटी को उठा के ले जाना और घर वालों के साथ मारपीट करना, इस बात को लेके आज से धरना अनिश्चित काल के लिए शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे चिड़ावा सर्किल और पिलानी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी सभा थाने के सामने रखी जाएगी, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को क्या करने वाले हो? सोमवार को बहुत बड़ी सभा होगी, सभा में जितने भी क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधि आएंगे वो उसी दिन यहाँ बैठ के निर्णय लेंगे, जो भी आगे का निर्णय होगा वो वहीं लिया जाएगा। बहुत ही निंदनीय है, उसी को लेकर के सर्व समाज के और लगभग मैं मानता हूँ कोई क्षेत्र विशेष नहीं, सभी समाज के और पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के लोग यहाँ पे हैं। घटना की यदि बात करें तो इतनी शर्मनाक घटना है कि घर पे बात करते हैं, घर वाले भी पूछते हैं कि क्या घटना हुई है, तो बच्चे बच्चियाँ सहम जाती हैं, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोज आप लोग देखते हो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, सरेआम कत्लेआम हो रहा है, घरों से बेटियां उठाई जा रही हैं, गोलीकांड हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज ये बेटी किसी नेता की होती तो
तो क्या इतना समय लगता, या किसी अधिकारी की बेटी होती तो क्या इतना समय लगता। मैं आप इस चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि यहां पुलिस थाना के सामने 24 घंटे का धरना दिया गया है, पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है, इसके बाद सोमवार को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मानना है कि जो समस्त ग्रामवासियों ने जो निर्णय लिया आज के दिन कि सोमवार तक उनका अल्टीमेट दिया जाए, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। उससे पहले मेरी एक सोच और है, सभी से मेरी सोच जाहिर कर रहा हूं कि जब भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं, किसान को उनके मुद्दे हो, चाहे पहलवानों के मुद्दे हो, चाहे वो पीड़ित परिवार के मुद्दे हो, कैसे ऐसे जो मुद्दे होते हैं उसको अंदर एक प्लेटफॉर्म छोड़कर, राजनीति मुद्दा छोड़कर के किसान कौम के साथ, ऐसे पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मैं तो हमेशा खड़ा रहूंगा और खड़ा रहा हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन जब भी ऐसे कोई मुद्दे होते हैं, चाहे पहलवानों के हो, चाहे वो किसान मुद्दे हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के मुद्दे हो, चाहे पीड़ित परिवार के मुद्दे हो, जैसे आज घटना घटी है, ऐसे मुद्दे को अंदर कोई राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। और राजनीति को पीछे छोड़ के किसान कौम के साथ, किसान जो मेरे साथी है, जो गांव चाहे उनके सबके साथ खड़ा होकर धरना प्रदर्शन के अंदर सहयोग करें और उसको मजबूत बनाए। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन। की खबर के बारे में थारा जो भी विचार है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करियो।